جد کر گئے اختر رضا خان ازی علی قائد ملت. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة ترقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम हजरात, जिस आयत करीमा मुकद्दसा मुअत्तरा को मैंने पढ़ा उस सिलसिले में आइए कुछ अर्ज करने से पहले हम और आप मिल कर के नहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ दिल की अथाह गहराइयों से नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार बरबार में हदीए दुरूद पाक पेश फरमाने. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदुमु बिदवाम मलिक अल हय अल कय्यूम. मोहतरम हज़रात, माह रबी अव्वल है, माह रबी नूर है, शुरू हो चुका है. गुज़िश्ता अय्याम और गुज़िश्ता सालों के भी मुकाबिल इन साल हुकूमत की तरफ से पाबंदी होने की वजह से इज्तिमाई एहतमाम ज़रा मुश्किल है, लेकिन इनफरादी एहतमाम ये मुश्किल नहीं है. और हमारी इबादतों का जो ताल्लुक है वो इज्तिमाईयत से भी है और इनफरादियत से भी है. हम अपने घरों में इसका एहतमाम करें, सरकार को सरकार की सीरत मुबारक, सरकार के फ़ज़ाइल, सरकार के कमालात, सरकार की पैदाइश मुबारक, ये तमाम चीज़ें खुद भी सुने, अपने घर वालों को भी सुनाएं. घर में सुनने या खाने खुदा में सुनने से कोई रोक नहीं सकता. लिहाजा ये ना समझें कि सब ख़त्म हो गया. इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा. किसी महल और किसी जगह का इस्लाम मोहताज नहीं होता. ये कहाँ बसता है? फरमाते हैं मोमिनों के दिल में बसता है. क्या कुरान पाक दुनिया से हटा दिया जाए, अगर इशाअत पर पाबंदी लगा दी जाए तो क्या दुनिया में कोई कुरान पाक पढ़ेगा नहीं? जिस ज़माने में कुरान पाक बाकायदा लिखा नहीं जाता था तो क्या उस ज़माने में हुफाज नहीं पाए जाते थे? बल्कि हक तो ये है कि उस ज़माने में जितने अच्छे हुफाज पाए जाते थे आज के ज़माने में उतने अच्छे हुफाज नहीं पाए जाते. इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हर मोमिन के दिल में होना चाहिए. हमें खुद करना है, अपने आलो औलाद को भी सुनाना है, बताना है कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बियासत मुबारक का मकसद क्या था. रबीउल अव्वल में आखिर मुसलमान इतना एहतमाम क्यों करता है? आखिर रबीउल अव्वल में हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर क्यों होता है?
मुसलमानों याद रखो, कायनात में अल्लाह के बाद अगर मुसलमानों पर सबसे बड़ा किसी का हक है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद कायनात में हम पर सबसे बड़ा हक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। आखिर हम दूसरों की पैदाइश पर खुशी का इजहार कर सकते हैं तो नबी पाक जिनकी पैदाइश के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया उनकी पैदाइश पर हम क्यों नहीं खुशी का इजहार कर सकते? यकीनन करना ही चाहिए, यकीनन करना ही चाहिए। एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो उसके पैदाइश के मौके पर एहतमाम करता है, ऐसे ही एक उम्मती जब सरकार से मोहब्बत करता है तो उनके पैदाइश पे एहतमाम करता ही है, एहतमाम उसका करता ही है। एहतमाम का ये मतलब नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल जुलूस जलसे वगैरह कराएं, नहीं, उसके लिए ये है कि सरकार के एहतमाम में सरकार से मोहब्बत का इजहार हो, नाते पाक पढ़ी जाए, तिलावत कुरान किए जाए, सरकार की सवाने को बयान किया जाए, आपके अहकाम को नाफिज किया जाए, बताया जाए किसी जात की जब अजमत को बयान किया जाता है तो उसके अहकाम पर अमल करने का जज्बा भी बढ़ा करता है। एक मजार शरीफ पर आप चले जाएं और आपको कुछ भी पता ना हो, आप जाएंगे और फातिहा पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ करके आ जाएंगे, लेकिन अगर उसी मजार शरीफ के बारे में आपको तफसीलात मालूम हो, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मजार शरीफ पर लोग बहुत सारे गए हैं और जाते रहेंगे, सुबह कयामत तक जाते रहेंगे, हम जाते हैं हो करके आ जाते हैं, लेकिन एक फकीह जो जाता है, एक पढ़ने वाला तालिब इल्म जब जाता है तो उसके जाने की कैफियत बिल्कुल अलग होती है। उसको इस बात का एहसास होता है कि कायदा से लेकर के बुखारी शरीफ, बल्कि फिक्र के जितनी भी किताबें हैं, फिक्र के जितने भी मसाइल हैं, आज हम उनकी बारगाह में जा रहे हैं जिन्होंने इनके उसूलों को मरतब फरमाया है, जिन्होंने हम कैसे नमाज पढ़ें, किस तौर पर होना चाहिए, रोजा कैसे रखें, ज़कात कैसे दें, मुआशरे में कैसे जिए, क्या उसूल जो बयान फरमाए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अगर आदमी ये जज्बा लेके जाए कि जिंदगी भर जिनके बारे में पढ़ता था आज उनकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है तो उसके हाजिरी का अंदाज अलग रहेगा, उसके हाजिरी का अंदाज अलग रहेगा। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के अल्लाह के अलावा किसी का जिक्र हो ही नहीं सकता। मोमिन उनका जिक्र ना करे तो किसका जिक्र करे, उनका जिक्र ना करे तो किनका जिक्र करे। देखो जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर को बहुत सारे औसाफ अता फरमाए, बहुत सारे औसाफ अता फरमाए, उसमें से एक बड़ा वस्फ ये है कि आपको आखिरी पैगंबर बना करके भेजा गया। आपके बाद कोई पैगंबर, सरकार ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरत उमर के बारे में फरमाया अगर मेरे बाद कोई पैगंबर होता तो उमर होते, लेकिन फिर बाद में इशारा फरमाया कि मेरे बाद कोई पैगंबर होगा नहीं, तो बात साफ हो गई उमर भी पैगंबर नहीं है। खातम यानी आखिरी पैगंबर होना ये एक बहुत बड़ा वस्फ भी है, खूबी भी है और एक बहुत बड़े फितने के दरवाजे को बंद करना भी है। अगर ऐसा ना होता तो बताओ हर आदमी पैगंबर का दावा कर सकता था कि नहीं कर सकता था?
कि पैगंबर को जो खूबियां अता फरमाई गई वो हमको भी अता की गई है। इसीलिए कुरान पाक ने बाकायदा तौर पर अल्लाह के हबीब अपने पैगंबर के बारे में फरमाया वखातमन नबियीन, तमाम नबियों के बाद आने वाले। इसका मतलब ये हुआ कि खातम है, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। बड़े से बड़ा वली पैदा हो सकता है, सहाबी पैदा हो सकता है, कुतुब पैदा हो सकता है, अवतार पैदा हो सकता है, लेकिन पैगंबर पैदा नहीं हो सकता, पैगंबर पैदा नहीं हो सकता। इसी वजह से जितने भी दुनिया में लोगों ने दावे किए कि हम पैगंबर हैं, हम रसूल हैं, जैसे कि कादियानियों ने बहुत सारे दावे किए, इस तरह के बहुत सारे दावे किए, लेकिन कुरान पाक की आयत करीमा इतनी वाज़ह है कि इसके सामने उनके दावे गलत हो गए, वो खुद गलत ठहरे। कुरान पाक की आयत करीमा ना कल गलत थी, ना आज गलत है, ना सुबह कयामत तक गलत होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में मुसैलिमा कज़्ज़ाब है, अस्वद अंसी है, ना जाने इस तरह के कितने अपराध थे जिन्होंने पैगंबरियत के दावे किए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने कबूल ना किया, उम्मत मुस्लिमा ने कबूल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों में सबसे आखिरी पैगंबर। इसी वजह से आपके जहां वसाइल, आपके जहां औसार बयान किए जाते हैं, आप पैदा हुए जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, आंखें सुरमगी थी, बाल घुंघराले थे, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए, खतना किए हुए थे, आजा आपके छुपे हुए थे। ये जहां फजाइल बयान किए जाते हैं, वहीं पर एक फजीलत ये भी बयान की जाती है कि दोनों शानों के दरमियान में महरे नबूवत थी। ये मोहर लगाने की जरूरत क्या? एक तो बात साफ है, हम आखिरी पैगंबर बना करके भेज रहे हैं, अब उसका सबूत क्या? कहा देखो पैगंबर के शानों के दरमियान में मोहर भी लगी हुई है कि अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं जाएगा, अब इनके बाद कोई दुनिया में पैगंबर नहीं जाएगा। एक बात आपके जहनों में आ सकती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है ना, कुर्बे कयामत आप तशरीफ लाएंगे, तो पैगंबर हैं तो आएंगे, तो सरकार के बाद आएंगे। तो फुकहाए किराम ने जवाब ये दिया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जरूर, लेकिन नबी होने की हैसियत से नहीं, उम्मती होने की हैसियत से आएंगे। नबी होने की हैसियत से नहीं, नबी होने का मतलब यह होता है कि पैगंबर अपना कलमा पढ़ाए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने अपनी उम्मत को अपना कलमा पढ़ाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ये कलमा पढ़वाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कलमा पढ़वाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए हैं, कुर्बे कयामत दोबारा तशरीफ लाएंगे, तो अब क्या वो अपना कलमा पढ़ाएंगे? कहते नहीं, उस वक्त का आना बहैसियत पैगंबरियत का था, अब का आना बहैसियत उम्मत के है। अब जो आएंगे और इस उम्मत में आने के लिए तो पैगंबरों ने दुआएं की कि मौला मुझे अपने आखिरी पैगंबर के उम्मती होने का शर्फ अता फरमा, मुझे आखिरी पैगंबर के उम्मती होने का शर्फ पैदा फरमा, शर्फ अता फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ बैठे हुए थे, अपने चाहने वालों के साथ बैठे हुए थे। उसी दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फजाइल बयान फरमाया, मुबशिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। कुरान पाक की आयत करीमा है कि मेरे पास पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा। उन्होंने जमीन पर आने का ऐलान किया। हवारियों ने पूछा, ए ईसा रूहुल्ला, हम आपको इतना मानते हैं, वो भी पैगंबर होंगे? इरशाद फरमाया, हाँ हाँ पैगंबर होंगे।
जो जिससे मोहब्बत करता है ना, एक उसकी आदत होती है कि मेरे महबूब से कोई अच्छा ना हो, मेरे महबूब से कोई ऊंचा ना हो। पूछते पूछते पूछ दिया कि आपसे भी अफजल होंगे, आपसे भी अफजल होंगे। अल्लाह अकबर, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिम सलातो वसलाम इरशाद फरमाते यकीनन मुझसे अफजल होंगे, बल्कि अल्लाह के बाद सारी कायनात से वो अफजल होंगे। और इरशाद फरमाया सुनो, उनका मकाम ये है, तफसीरों में आता ये है कि अगर उनके जमाने में मैं पैदा होता तो आपके नालेन का तस्मा बांधना ईसा बिन मरियम अपने लिए फख्र की बात महसूस करता हूं। ये एक पैगंबर के बारे में बोल रहे हैं, एक पैगंबर के बारे में बोल रहे हैं कि उनका आना इतना अफजलियत का जामिया है कि अगर ईसा भी होते तो उनके नालेन के तस्मे को बांधते। तो बहरहाल मुसलमानों, बताने का ये मामला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, यकीनन आएंगे, वो भी पैगंबर हैं। जब अपनी उम्मत में आए तो उन्होंने अपनी उम्मत को कलमा पढ़वाया, लेकिन जब पैगंबर आजम की उम्मत में दोबारा उठारे जाएंगे तो अब वो अपनी उम्मत का कलमा नहीं पढ़वाएंगे, अब कलमा पढ़वाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यही कलमा पढ़वाएंगे। तो उनका आना बहैसियत पैगंबरियत ना होगा, उनका आना बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये खातम होना, आखिरी पैगंबर होना, मैंने एक मौके पर अर्ज किया था कि एक तो आयत करीमा ये बिल्कुल सराहत के साथ है, अगर कोई ये बोले कि सरदार आखिरी पैगंबर नहीं है, उनके बाद भी पैगंबर आ सकता है, यकीनन वो शख्स इस्लाम के दायरे से खारिज है, वो मुसलमान ना रहा। क्यों? क्योंकि उसने आयत करीमा का साफ इनकार किया, साफ इनकार किया। क्या है आयत करीमा? खातमुन नबियीन, मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे पास कोई पैगंबर नहीं आएगा। हदीसों में ये वाज़ह है, माकाना मोहम्मद नबाह ने मेरे यारी को वलायत रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, कि मैं आखिरी पैगंबर हूं। और फिर हदीस शरीफ में जा बजा ये आया ला नबिय बादी, ला नबिय बादी, ला नबिय बादी, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता। अब सिलसिला चलेगा, अहकाम इलाहिया जारी किए जाएंगे, किनके जरिए से? मेरे चाहने वालों के जरिए से जारी किए जाएंगे, वो औलिया अल्लाह होंगे, कुतुब होंगे, अत्तार होंगे, वो मेरे मानने वाले होंगे, सहाबी होंगे, ताबईन होंगे, तबे ताबईन होंगे, सब होंगे लेकिन पैगंबर नहीं होंगे, सब होंगे लेकिन पैगंबर नहीं होंगे। इससे कादियानियत का फितना बिल्कुल वाज़ह हो गया कि उनके यहां जो ये कहते हैं कि पैगंबर आ रहे हैं, पैगंबर आए हैं, ये है वो है, ऐसा हो नहीं सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बाकायदा तौर पर कुछ लोगों ने नबूवत के दावे किए, मुसलिमा कज़ाब वगैरह, इन्होंने बाकायदा नबूवत का दावा किया। अगर सरकार के बाद पैगंबर आना कहीं से साबित होता तो सहाबा कभी जिहाद ना करते, उनसे जंगे नहीं लड़ते जिन्होंने झूठे नबी होने का दावा किया, लेकिन सहाबा इकराम ने बाकायदा जंग की। हजरत हबशी के बारे में आपने सुना होगा, ये वो है जिन्होंने गज़वे उहुद में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। उसके बाद एक पछतावा उठा, अरब में जब इस्लाम फैल गया तो दिल में ये बात आई कि मैंने गलत किया है, गलत का असर बहुत दिनों तक बाकी नहीं रहता, कभी ना कभी जिंदगी में पछतावा होता ही होता है। आई बात दिल में कि मैंने गलत किया है, और फिर इस्लाम के करीब होते गए, सरकार की बारगाह में आकर के इस्लाम भी कबूल कर लिया, मुसलमान भी हो गए,
और उनका शुमार अच्छे सहाबा में भी होने लगा। लेकिन दिल में ये बात बैठी हुई थी कि हालते इस्लाम हालते कुफ्र में मैंने एक बहुत अजीम शख्सियत को शहीद किया है, बहुत अजीम शख्सियत को मैंने शहीद किया है, अब करूं क्या। एक बात थी कि जैसे एक बुरा काम अंजाम दिया है वैसे ही एक अच्छा काम भी अंजाम देना चाहता हूं, अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह भी मौके फराहम फरमा दिया करता है, अल्लाह भी अच्छे मौके फराहम फरमा दिया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का यही मुसलमा खजा, यही मुसलमा जिसने झूठे नबी होने का दावा किया, अल्लाह अकबर, उस वक्त यही हजरत हबशी है, यही हजरत हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो जंग में बाकायदा शरीक हुए और उसे शहीद किया और कहा हां हालत कुफ्र में मैंने एक बेकार और बेकार से बेकार का अंजाम दिया और हालत इस्लाम में मैंने एक अच्छा काम अंजाम दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कर्म से उम्मीद है कि मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बात समझ में आ जाती है कि कोई भी नबूवत का दावा करे गलत था गलत है गलत ही रहेगा। कुरान पाक ने इस फितने को हमेशा के लिए बंद फरमा दिया, फितने के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद फरमा दिया। खातम होना और आखिरी पैगंबर होना यह बहुत बड़ा वस्व है, यह बहुत बड़ा वस्व है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जहां मुख्तलिफ औसाफ अता फरमाए वहीं सरकार फरमाते खैरुल कुरूनी करनी, मेरा जमाना सबसे बेहतर है। बात साफ हो गई, हजरत आदम का आना अपनी जगह पर मुसल्लम है लेकिन जमाना मेरा बेहतर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई भी पैगंबर हो अपनी जगह पर सब अच्छे लेकिन सबसे अच्छा मैं हूं, लेकिन सबसे अच्छा मैं हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुण गाते रहो, ईमान ताजा रहेगा और ईमान जितना ताजा रहेगा दुनिया के फितनों से उतना ज्यादा महफूज रहोगे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े उजवान ने इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार की बारगाह में आ गए, सरकार की बारगाह में आए। आज के अल्लाह के पैगंबर मैंने आपको बचपने में देखा है, सरकार मुस्कुराएगा अच्छा क्या देखा भाई, बचपने में पालनहार में बच्चा पा रहेगा तो क्या देखेगा आदमी, या तो रो रहा है या पी रहा है, ये तो काम करता है बच्चा, भूख लगेगी तो पिएगा और पेट भर जाएगा तो खेलेगा, ये तो काम करेगा। लेकिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर मैंने आपको बचपने में देखा, क्या देखा, कहा पालनहार में पिया, कहा फिर क्या हुआ, इरशाद फरमाते हैं मैंने रात को बहुत गौर से देखा था कि आप जैसे जैसे उंगलियां उठाते थे चांद उसी तरफ झुक जाया करता था, चांद उसी तरफ झुक जाया करता था और रोने की कैफियत हुआ करती तो चांद आपके करीब आकर के आपको खिलाया करता था और रोने नहीं दिया करता था। दुनिया के की ये वो साथ है जिसको चांद और सूरज ने खिलाया है। अब आप सोच सकते हैं दुनिया की कोई ऐसी जात आपको नजर नहीं आएगी, कोई ऐसा इंसान नहीं नजर आएगा जिसके जिसकी खातिर आसमान से चांद को नाजिल किया गया हो, उतारा गया हो, चांद ने खिलाया हो, ऐसी कोई जात आपको दुनिया में नहीं नजर आएगी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है जमाना समझता है कि मैंने रसूलुल्लाह को पाला है, हाँ हक तो यह है कि रसूलुल्लाह ने जमाने को पाला है। एक औरत जो बच्चे को पाला करती है वो क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाना, गंदगी कर दे तो सफाई कर देना, उसकी जरूरतों को पूरा कर देना, अगर उसके कपड़े खराब हो गए हो तो कपड़े तब्दील कर देना। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे दौलत कदे पर मेरे घर पर आए,
मुझे कभी सरकार ने खिदमत का मौका ना दिया, मेरे छाती में दूध ना था, सरकार ने जब अपना दहन लगाया तो अल्लाह ने दूध को पैदा फरमा दिया, मेरी बकरियों में इतनी कुव्वत ना थी, इतनी ताकत ना थी कि एक कतरा दूध निकल सके, लेकिन हालत ये हुई कि सरकार जब आए बकरियां चर करके आया करती थी तो घर का कोई बर्तन बगैर दूध के खाली नहीं रहा करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेरे घर में आए तो हालत ऐसी हो गई, जमाना समझता था कि हलीमा बहुत ज्यादा चिराग जलाना शुरू कर चुकी है, बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल करती है, बहुत ज्यादा घर से रोशनी फूटा करती थी। उसी जमाने ने पूछा था, हलीमा क्या हो गया है, इतने चिराग क्यों जलाती हो, रात पे इतनी रोशनी क्यों फूटती है। अल्लाह हू अकबर। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, लोगों सुन लो, ये बच्चा जब से मेरे घर में आया है हलीमा ने चिराग जलाना छोड़ दिया है, ये रोशनी जो तुम देखा करते हो, ये रोशनी जो फूटा करती है, वो आप चिराग की नहीं है, ऐसे राजे मुनीब की रोशनी है जो फूटती भी नजर आ रही है। बताती है मैंने कभी सरकार को नहलाने की जरूरत नहीं महसूस की। बताती मैंने कभी भाई नहलाया उसको जाता जो गंदा हो, अरे ये तो ऐसे साफ है, ऐसे सुथरे हैं जो जमाने को साफ सुथरा करने के लिए आए, ये तो वो है कि जमाना जो इनसे वाबस्ता होता गया, गुनाहों से भी साफ हो गया, जाहिरी गंदगी भी जाती रही और बातिनी गंदगी भी खत्म होती रही। फरमाया मैं कभी कपड़े तब्दील करने के लिए जाती थी, देखती थी कि कपड़े तो पहले ही तब्दील हो गए हैं, कपड़े पहले ही तब्दील हो गए। कभी जाती थी कि उनकी कुछ जरूरतों को पूरा करो, देखा उनकी जरूरत पहले पूरी हो चुकी है, करो तो करो क्या। जमाना समझ रहा था कि हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रही है, हाल यह है कि कभी सरकार ने खिदमत का मुझे मौका ही ना आता फरमाया, कभी सरकार ने खिदमत का मुझे मौका ही ना आता फरमाया। पूछा वो जरूरतें कौन पूरा किया करते थे, कौन सरकार के कपड़े तब्दील करते थे, कौन आपकी सफाई का काम किया करते थे, कौन इस तरह की चीजें किया करते थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है, मुझे करने वाला तो नहीं दिखाई देता था, होने वाली चीज जरूर दिखाई देती थी, करने वाली मखलूक तो नहीं दिखाई देती थी, यानी अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन फरमा रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को मुतय्यन फरमाया। आप पालनहार में रहते, झूला हिलता रहता, आप रोया नहीं करते, रोते रोते खामोश हो जाया करते, झुलाने वाला नहीं दिखाई देता था, लेकिन झूला हिल रहा है ये जरूर दिखाई दिया करता था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी का एहसान नहीं किया है। आज हम जो ये समझते हैं सरकार का हम एहसान, नहीं, सरकार का एहसान हमारे ऊपर है, हमारा थोड़ी ना कोई एहसान है, ये तो उनका कर्म है कि उन्होंने इस दुनिया में आना पसंद फरमा लिया। देखो अल्लाह फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। एक बार बताओ, फूल में कांटे होते हैं, फरमाया कि ना दुनिया का ये फूल है जिसमें कांटे नहीं है, चिराग जब जलाया जाता है दो वक्त उसमें से धुआं निकलता है, जब चिराग इब्तदाई मरहले में हो तब भी धुआं निकलेगा और जब बुझने के करीब हो जाए तब भी धुआं निकलेगा, तब भी धुआं निकलेगा। फरमाते हैं ना ये तो वो सिराजे मुनीर है जिसमें ना इब्तदा में धुआं है, ना बीच में धुआं है, ना आखिरी में धुआं है। अल्लाह ने इनको ऐसा बना करके भेजा। दुनिया की कोई भी खूबी है देख लो, पहले इब्तदा होती है, फिर उसमें शबाब आता है, फिर उसके बाद जवाल पजीर हो जाती है। एक बच्चे को देखो, एक बच्चा पैदा हुआ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब जवान हुआ और ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन यही जवान जब बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंचा तो जिन दांतों में कुव्वत थी वो दांत ना रहे, जिन आंखों में कुव्वत थी वो आंख न रही, जिस बसर में जिस जिसमें कुव्वत थी उस जिस्म में उतनी कुव्वत ना रही, यानी हर चीज अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद खत्म हो जाया करती है। बच्चे का बचपना हमेशा बाकी नहीं रहता, जवान की जवानी हमेशा
باقی نہیں رہتی اور سب کا ملیہ میں بڑھاپے میں ہو جایا کرتا ہے. اب نہ بچپنے کی امنگ ہوا کرتی ہے نہ جوانی کی امنگ ہوا کرتی ہے, ساری چیزیں بڑھاپے میں ختم ہو جایا کرتی ہیں. لیکن فرماتے ہیں وہ کمال حسن, اگر حسن کی تکمیل دیکھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو. ایک بچے کا حسن جو ہوا کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوا کرتا ہے, جوانی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے, بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ فطرت انسانیہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا فرمایا ہے. لیکن قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ اگر چڑھتے گئے تو سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے, کبھی خوبی میں کبھی نہ آئی اور کبھی حسن کمال میں کبھی نہ آئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے, مبارکہ ہے. فرماتے ہیں دیکھو سرکار نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی تھی, 53 سال, 40 سال کے بعد عمر ڈھلنے لگتی ہے, 40 سال کے بعد عمر ڈھلنے لگتی ہے, 50 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ دانت بھی ٹوٹنے لگتے ہیں اور آنکھیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں. لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ 53 سال میں آپ نے ہجرت کی, بڑھاپے کی منزلیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے آپ کے دندان مبارک نہیں ٹوٹے, آپ کی آنکھوں میں روشنی کبھی کمی کم نہ ہوئی. اور کم کیا ہوتی؟ دندان مبارک کا عالم یہ ہے کہ پہلے انسان کے بچپنے کے دانت ٹوٹتے ہیں, ٹوٹ کر کے اچھے دانت آتے ہیں, بڑھاپے میں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن سرکار کو جو دندان مبارک آئے تو وہ ایسے آئے ایسے آئے, بچپنے میں بھی وہی قائم رہے, جوانی میں بھی وہی قائم رہے, اور جب سرکار آخری عمر کے حصے میں پہنچے تو اللہ نے کی قوت عطا فرمائی کہ اگر اندھیری رات میں سرکار مسکرا دیتے تو وہ اندھیرا دور ہو جایا کرتا تھا, دانتوں سے اتنی زیادہ روشنی پھوٹا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا, اپنے حجرے میں بیٹھی ہے, چراغ بجھ چکا تھا, اندھیرا تھا, سوئی گم ہو گئی تھی, کوئی کام کر رہی تھی, پریشان نظر آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تشریف لانے کے بعد کہا عائشہ پریشان ہو, کس چیز نے تم کو پریشان کر رکھا, کس چیز نے تم کو پریشان کر دیا؟ عرض کی اللہ کے پیغمبر سوئی سے کام کر رہی تھی, پتہ نہیں سوئی کہاں گئی گئی ہے. عائشہ کی پریشانی کو دیکھ کر کے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تاری ہوئی, ایک دانت ہی تو دکھائی دیا تھا, اتنی روشنی پھوٹی, اتنی روشنی پھوٹی کہ فرماتے ہیں گم شدہ عائشہ کو سوئی مل گئی میرے سرکار جو مسکرانے لگے. سرکار مسکراتے ہیں, ان کو روشنی کی الگ سے ضرورت نہیں ہے, سراپا نور ہے, سراپا روشنی ہے, جہاں چلے جائے وہاں روشنی پھیل جائے, جس اندھیرے کمرے میں چلے جائے دندان مبارک بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی روشنی عطا فرما دے. اچھا گھر کے جو چیزیں ہوا کرتی ہیں اس میں سب سے باریک تو سوئی تو ہوا کرتی ہے, کپڑا بڑا ہوتا ہے, چادریں بڑی ہوتی ہیں, لباس بڑا ہوتا ہے, گھر کی ساری چیزیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, سب سے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ سوئی ہوا کرتی ہے, وہ بھی رات میں اگر وہ ہو جائے تو کتنی پریشانی ہو. آج بھی اگر کرنٹ نہ رہے کوئی ڈھونڈ کر کے دکھا دے بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے, ملی تو کیسے ملی؟ سرکار کی وجہ سے ملی. اب بتاؤ سرکار کا جو یہ حسن ہے اگر کم ہوتا تو ختم ہو جاتا, لیکن حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اضافہ فرمایا, اتنا اضافہ فرمایا کہ اگر مسکرا بھی دے تو تاریک رات میں بھی اجالا پہ جایا. ایک صحابی کہتے ہیں ایک قافلے کی شکل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جا رہے تھے اور ایک مقام پر رکے, سرکار اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے چاہا کہ آج جی بھر کر کے سرکار کو دیکھوں. دنیا میں سب سے اچھی خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے مولا اپنے محبوب کا چہرہ ہمیں دکھا دے, زیارت سے مشرف فرما دے, نہ صحیح ظاہری خوابی میں دیدار ہو جائے, امتی کا اقبال کہاں سے کہاں چلا جائے. اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سرکار کے ساتھ رہا کرتے ہیں, سفر ہو حضر ہو ہر حال میں. کہتے ہیں آج میں نے یہ چاہا کہ سرکار کو دیکھو جی بھر کر کے دیکھو,
सरकार का चेहरे मुकद्दसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया कि निगाहें टिकती नहीं थी, वो आदमी जी भर करके देख ले ऐसा हो नहीं पाता था। कभी सरकार महफिलों में बैठे हुए हैं उठ करके चले गए, कभी सरकार के सामने दूसरे अफराद आ जाया करते, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। उस सहाबी ने सोचा कि सरकार जानवर पर सवार है, ऊंटनी पर सवार है, ऊंचाई पर है, कोई चीज देखने से माने नहीं है, कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती, आज देखूंगा तो जी भर करके देखूंगा। वही सहाबी कहते हैं मैं जब जब निगाह उठाता बड़ी मुश्किल से वो जानवर जिस पर सवार थे सरकार उसके पांव तक देख पाता, उसके बाद निगाह उठती ही नहीं थी, ना जाने कौन सी जात थी जो निगाहों को उठने से रोक रही थी। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया कि फरमाते हैं कि मैंने कई मरतबा कोशिश की और एक मरतबा मैंने ठान लिया कि सरकार को देखूंगा, बहुत किया उठा करके देखी तो जानवर की नकेल दिखाई दी सरकार के चेहरे पर, मेरी नजर ही ना पड़ सकी, मेरी नजर ही ना पड़ सकी। तो बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा बनाया। हक तो ये है हम चाहे कि बता सके कि सरकार को ऐसे बनाया, दुनिया में अल्लाह ने वो जबान पैदा ही नहीं फरमाई है, दुनिया में अल्लाह ने वो जबान पैदा ही नहीं फरमाई है। वो वाहु ला शरीक है और जिस जात को बनाया है वो भी ये ताए जमाना है, वो भी ये ताए जमाना है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औसाफ के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि आपका भी कोई शरीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मजहब इस्लाम समझने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल मुबारक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।